रात्रि में बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी हो रही थी। अपराधी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की साजिश प्लान की थी, लेकिन इससे पहले पुलिस ने हत्या का वो प्लान बनाने वाले आरोपी माधव झा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी माधव झा से पूछताछ हो रही है, दूसरे अपराधियों की भी तलाश जारी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय की हत्या कौन कराना चाहता है? नित्यानंद राय की कौन करना चाहता है मर्डर? महाशिवरात्रि पर हत्या का प्लान क्या था? माधव झा ने किससे ली थी हत्या की सुपारी? भैया विश्वास ने बाबू के लिए 3 साल से हमको शिवरात्रि से पहले सपना आता है कि हम नित्यानंद राय को मार दिए, बाप के लिए खाए। ये वायरल वीडियो देखिए। इस वायरल वीडियो में एक युवक दावा कर रहा है कि उसके सपने में नित्यानंद राय आते हैं। उसे लगता है कि उसने नित्यानंद राय को गोली मार दी है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की हत्या का ये वायरल वीडियो पुलिस महकमे के लिए भी टेंशन बढ़ाने वाला था, क्योंकि वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन नित्यानंद राय को गोली मार देंगे। वायरल वीडियो के बाद वैशाली के नगर थाना क्षेत्र की पुलिस एक्शन में आई। देर रात एक युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम माधव कुमार झा है। आरोपी माधव गोरोल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अभी नगर थाना क्षेत्र के हाथीसार गंज मोहल्ले में किराए पर रह रहा था। एक वीडियो कल पुलिस को प्राप्त हुआ था, जिसमें कि माननीय वीआईपी महोदय के पुता पति जनक माधव आक्रमण करने की हमला करने की बात सुनाई थी। पहचान करते हुए उसको व्यक्ति को पकड़ लिया गया है एवं आगे पूछताछ जारी है, कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि हत्या की सुपारी किसने दी थी और शिवरात्रि के दिन अपराधियों की क्या योजना थी। पुलिस ने पकड़े गए युवक के घर की तलाशी भी ली है। पुलिस दूसरे लड़कों की भी तलाश कर रही है।